हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जेड अड्डा। दोस्तों, एसएससी द्वारा हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में आपको इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो की क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो की 100 अंकों के होंगे और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें आपके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 अंक के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 अंक के होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड और वेब ब्राउजर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे। इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 अंकों के होंगे। तो अब बात करते हैं कि जनरल अवेलेबल से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपसे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपगेशन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ब्रांड एलिमेंट्री सर्च, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, सर्किल, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, डिग्री, रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम और पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। तो जनरल इंटेलिजेंस में आपसे वर्बल, नॉन वर्बल टाइप, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस विजुलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग और फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉर्मल सीरीज, कोडिंग या डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्रेंसेज, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कॉम्प्लिएशन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कन्वर्जन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड की। तो इसमें आपसे एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट और इसके प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा। एमएस एक्सेल से आपसे एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फार्मूलाज के बारे में पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन से आपसे बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल और इससे रिलेटेड फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर से आपसे इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस और ई बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था इसका डिटेल सिलेबस। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अनअकैडमी आपको दे रहा है UPSC CSE सबस्क्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट और ये ऑफर आपका 16 सितंबर तक के लिए वैलिड है। तो इसमें अगर आप कोई भी आइकॉनिक या प्लस प्लान लेते हैं तो उस पर आपको 20% की छूट दी जाएगी। इसमें अगर आप आइकॉनिक प्लान 24 महीने के लिए लेते हैं तो उस पर आप 23,921 रुपये बचा सकते हैं। 18 महीने के लिए प्लान लेते हैं तो आप उस पर 18,985 रुपये बचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्लस प्लान 24 महीने के लिए लेते हैं तो उस पर आप 15,570 रुपये बचा सकते हैं और 18 महीने के लिए प्लान लेते हैं तो उस पर आप 13,565 रुपये बचा सकते हैं। इसके लिए आपको SRADDA कूपन कोड यूज़ करना होगा, SRADDA, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा UPSC CSE बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है।
इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको यहाँ पर इनरोल बटन पर क्लिक करना है। इसमें अगर आप यूपीएससी का कोई भी प्लान एक साल या इससे अधिक समय के लिए लेते हैं तो आपको 20 जीएस बुक फ्री दी जाएंगी, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2023 स्टार्ट की गई है और ये टेस्ट सीरीज आपकी 11 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 14,990 रुपये है। इसमें आपके 30 प्लस टेस्ट करवाए जाएंगे और इसमें आपका लाइव एनालिसिस सेशन भी होगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।